दोस्तों आपके पास कोई सा भी कंपनी का एक सिम है जिसे आप बहुत दिन से यूज नहीं कर रहे हो, बट दोस्तों अब आप सोच रहे हो कि उसे फिर से रीयूज में लाने के लिए, तो उस समय दोस्तों जो सबसे पहला प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है वो ये कि दोस्तों हम किस तरह से चेक कर सकते हैं ये जो हमारा सिम है ये एक्टिवेट है या फिर डीएक्टिवेट है। एंड एक प्रॉब्लम और फेस करनी पड़ती है कि अगर ये डीएक्टिवेट है तो हम इसे कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, अगर ये डीएक्टिवेट नहीं है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, अगर वो डीएक्टिवेट है देन आप किस तरह से इसे फिर से रीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो सारा कुछ कंक्लूजन देने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, एंड वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर से जरूर देखना। तो चले करते हैं वीडियो को फटाक से स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ए सेकेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो पुराना सिम है जिसे हम फिर से रीयूज में लेना चाहते हैं वो अभी तक एक्टिवेट है या फिर उसे डीएक्टिवेट कर दिया गया है। उसके लिए सबसे पहला मेथड निकल के यहाँ पे आते हैं, वो सिंपल ये है कि दोस्तों बस उस सिम को आप अपने फ़ोन में इंसर्ट करो एंड आप सिंपली से अपने नेटवर्क बार में देखो, अगर आपको नेटवर्क बार में नेटवर्क शो हो रही है देन आपका वो सिम अभी तक एक्टिवेट है, अगर नहीं दिख रहा है तो आपका वो सिम अब डीएक्टिवेट हो चुका है या डीएक्टिवेट कर दिया गया है। एंड दोस्तों सेकेंड एक और जो मेथड है वो ये है कि सिंपली से आप दोस्तों जो भी सिम यूज़ करो, लाइक अगर आप जियो सिम को यूज कर रहे हो तो सिंपली से आप दूसरा जियो सिम से कस्टमर केयर को कॉल करो, एंड कॉल करने के बाद सिंपली से आप वहां से उनसे पूछ सकते हो अपने नंबर देके कि मेरा सिम अभी तक एक्टिवेट है या फिर नहीं है, वो तो आपको सिंपली से सारा बात बता देंगे कि आपका सिम अभी तक एक्टिवेट है या फिर नहीं है, अगर डीएक्टिवेट है तो किन कारणों से आपका सिम डीएक्टिवेट कर दिया गया, वो सारा चीज़ आपको वहाँ पे वो बता देंगे। सो अगर आपका सिम अभी तक एक्टिवेट है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर दोस्तों आपके सिम को डीएक्टिवेट कर दिया गया है या फिर उसे बंद कर दिया गया देन आप उसे फिर से रीएक्टिवेट कैसे करा सकते हो। डॉट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो दोस्तों सभी टेलीकॉम कंपनी को ऑपरेट करती है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों अगर आप लास्ट 90 डेज से अगर उस सिम से ना ही आउटगोइंग हो रही है ना ही इनकमिंग हो रहा है या आप मिनिमम 20 रुपीज़ उस नंबर पे मेंटेन नहीं कर पा रहे हो देन आपका सिम को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो इस कारण से आपका सिम को डीएक्टिवेट कर दिया गया है अगर आपने बहुत दिन से उसमें रिचार्ज नहीं कराया या 90 डेज से ज़्यादा हो गया आप उसमें एक बार भी रिचार्ज नहीं कराया है, ना ही कॉल किया ना ही कभी इंटरनेट को यूज़ किया है। सो अगर दोस्तों डीएक्टिवेट होने के बाद विथ इन 15 डेज अगर आप उस सिम पे उस नंबर पे अगर आप रिचार्ज कर देते हो तो ऑटोमेटिकली से आपका वो सिम जो है रीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, एंड अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हो देन फिर से आपको आपके लोकल ऑफिस में जो भी कंपनी का जो भी टेलीकॉम कंपनी का आप सिम यूज करते हो लाइक जियो तो अपने लोकल जियो ऑफिस में जाके फिर से उसे रीवेरिफिकेशन कराना पड़ेगा देन आपका सिम रीएक्टिवेट किया जाएगा। बट दोस्तों वहाँ पर मेजोरिटी ऑफ चांसेस रहती है कि आपका वो सिम परमानेंटली डीएक्टिवेट हो चुका है, बिकॉज दोस्तों इसके पीछे भी एक कारण है, वो कारण यह है कि दोस्तों आपको एक बात बताएगा सभी कंट्री का अलग अलग नंबर कोड रहता है, जैसे अपने कंट्री का 91 है और किसी कंट्री का 0 से स्टार्टिंग रहता है तो सभी कंट्री का अपना अपना एक कोड रहता है। तो दोस्तों आपको एक बात पता होगा अपने इंडिया का जो पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है तो सभी को अब स्मार्टफोन चाहिए एंड स्मार्टफोन को चलाने के लिए एक सिम चाहिए, देन उस क्राइटेरिया को मेंटेन करने के लिए दोस्तों ये स्टेप को लिया जा रहा है, जो भी पुराना यूज़र्स हैं जो अभी एक्टिवेट नहीं चल रहे हैं तो उसे परमानेंटली उस नंबर को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे दोस्तों वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, इसी तरह के वीडियो के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम।